इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, राजधानी पटना से, जहां पर रुपेश हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। जो है पटना के चर्चित इंडिगो एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। इस हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। आरोपी का नाम पुष्कर है। आपको बता दें कि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड के बाद पहले आरोपी और फिर अगले 50 दिनों के बाद दूसरे आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन पुलिस तीसरे आरोपी को पकड़ नहीं पाई थी। दरअसल 12 जनवरी को पटना एयरपोर्ट से घर आने के दौरान अपराधियों ने घर के पास ही रुपेश सिंह को निशाना बनाया था। बाइक सवार ऋतुराज समेत अन्य अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूं, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, जो है लगातार पुलिस काफी दिनों से खोजबीन कर रही थी तीसरे अपराधी की, लेकिन अपराधी जो है कोर्ट में सरेंडर किया है। क्या इस पर अपराधी जो है अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, कोर्ट में सरेंडर करता अधिकारियों का भी कहना है कि वो डायरेक्ट बस कोर्ट में जाके सरेंडर एक अपराधी कर रहे हैं। रुपेश हत्याकांड बहुत चर्चित हत्याकांड थी, जिसमें ये हत्या हुई एक तरीके से मानव की राजनीति बहुत उफान की थी। सत्ता पक्ष विपक्ष काफी इसमें इस तरीके से बहुत उतार चढ़ाव बहुत हंगामेदार रहा था। रुपेश हत्याकांड बिहार से लेकर बाहर तक के लोगों की बहुत बड़ी इसमें एक तरीके से हंगामे था। लेकिन खबरों में फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद राजीव। तो आपको बता दें कि जो है राजीव ऋतुराज के बाद अब तीसरा आरोपी जो है कोर्ट में सरेंडर किया है। जो रुपेश हत्याकांड में जो है तीसरा जो अपराधी है वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।